भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल देसाई शुक्रवार को एमजी रोड स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता में देसाई ने केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। भारत की जनता के स्वाभिमान का मुद्दा नहीं उठाया है, भारत की संस्कृति का मुद्दा नहीं उठाया है, भारत के अंदर दुर्योधन और दुशासन के कुशासन का सवाल उठाया है। और अगर वो सवाल उठाना, ये सवाल तो राहुल जी संसद में भी उठाते थे, ये पेगासस के बारे में संसद में भी बोला है, तब मीडिया ने नहीं छापा। ये सवाल राहुल जी ने भारत के बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बोला है कि भाई मेरे फोन टैप होता है, तो मैं तो राहुल जी की इस रणनीति पर कायल हूँ कि उनको पता है देश में बोलेंगे तो शायद मीडिया वाले नहीं छापेंगे कि मेरा फोन टैप हो रहा है, जब विदेश की धरती पर जाके बोलेंगे तो वही बहाने मुझे सच्चाई को बयां करने के लिए हर प्लेटफॉर्म सही लगता है, झूठ बोलने के लिए हर प्लेटफॉर्म मुझे गलत लगता है। नरेंद्र मोदी झूठ कहीं भी बोले तो हम सब मान जाते हैं, कभी बनारस में आकर गुरु नानक को, कभी कबीर को और हमारे गोरखनाथ जी को एक ही जगह पे एक साथ बिठा देते हैं, तीन सदी के तीन महान व्यक्ति को, तब भी हम लोग उसको चला लेते हैं। देश के इतिहास में देश के साथ गद्दारी करने वाले सावरकर के जन्मदिन पर संसद का आप मीडिया वालों को ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है कि जब अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की 60 रुपया दलाली खाकर इस देश की आज़ादी के जंग में गद्दारी करने वाले सावरकर के जन्मदिन पर इस पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, क्या सुभाष चंद्र बोस के दिन पे नहीं हो सकता था? क्या सरदार पटेल को अगर वो मानते हैं कि देश के पूरे एक करने वाले रजवाड़े को, उसके दिन क्यों नहीं? सरदार पटेल के जन्मदिन पे इसलिए नहीं क्योंकि सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे इसलिए नहीं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को और हेडगेवार को साफ शब्दों में कहा था कि देश के बंटवारे करने वाले लोगों में से एक हैं। तो मैं मान सकता हूँ उनको महात्मा गांधी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें गांधी सरनेम है, पर बाकी लोगों का क्या? भगत सिंह के जन्मदिन पर क्यों नहीं, दलाल के जन्मदिन पर क्यों? सवाल आप क्यों नहीं उठाते हो? सवाल तो वहाँ पर है।